कानपुर से खबर है। जीएसटी की छापेमारी से व्यापारियों में गुस्सा है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल आज विरोध करेगा। प्रदेश भर में छापेमारी का विरोध करेंगे और साथ ही साथ स्टेट जीएसटी कार्यालय पहुंचकर अपना ज्ञापन भी देंगे। व्यापारी एकजुट होकर अपर आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। देखिए, बीते दिनों से लगातार आप देख रहे हैं कि छापेमारी चल रही है जीएसटी विभाग की और व्यापारी इस छापेमारी से परेशान है। अपनी दुकानों फर्म्स तक को बंद करने को मजबूर है। उनका कहना है कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है और आज इसी संदर्भ में स्टेट जीएसटी कार्यालय पहुंचकर अपना ज्ञापन सौंपने वाले हैं व्यापारी। तो देखिए, इस छापेमारी का व्यापारिक संगठनों ने विरोध जताया है। दरअसल दो दिन पहले जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर जीएसटी छापेमारी का विरोध जताते हुए व्यापारिक संगठनों ने कहा था कि जीएसटी छापेमारी बंद होनी चाहिए, इसका हम विरोध करते हैं। छापेमारी से व्यापारियों का शोषण हो रहा है। सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने कहा था कि नियम के विरुद्ध कोई भी काम नहीं किया जाए। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सहारनपुर में जीएसटी की छापेमारी के विरोध में प्रदर्शन हुआ। व्यापारियों ने पूर्व भाजपा सांसद का घेराव तक कर लिया। जीएसटी की छापेमारी रोकने की मांग की गई, मांग नहीं माने जाने पर आंदोलन की धमकी तक दे दी। सहारनपुर में भी जीएसटी की छापेमारी के विरोध में प्रदर्शन हुए। तख्तियां लेकर ये विरोध प्रदर्शन करते हुए व्यापारी जो पूर्व भाजपा सांसद का घेराव करते हुए नजर आए, व्यापारियों ने जीएसटी की छापेमारी को रोकने की मांग की है। व्यापारियों की सरकार, और मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि अब अगर किसी व्यापारी के यहाँ छापा लगे तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के एक एक जिले के अंदर, एक एक नगर इकाई द्वारा और जिला इकाई द्वारा इस तरह का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का घेराव करके आज किया गया है, जिसका उद्देश्य केवल एक है कि पिछले कुछ दिनों से, लगभग एक सप्ताह से लगातार व्यापारियों के यहाँ पर जीएसटी के छापे किए जा रहे हैं। और केवल जीएसटी की बात नहीं है, श्रम विभाग द्वारा भी अधिकारी सड़कों पर हैं, विद्युत विभाग द्वारा भी अधिकारी सड़कों पर हैं, आपका बाकी सभी विभाग, चाहे वो खाद्य विभाग हो, जीएसटी का विभाग हो, सभी सड़कों पर व्यापारियों का उत्पीड़न करने में लगे हुए हैं। तो आज इसके विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इस अभियान को आरंभ किया गया है। सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के नाम एक ज्ञापन दिया गया है। उसमें उनके द्वारा यह अपील की गई है कि जीएसटी विभाग और अन्य विभागों द्वारा छापेमारी की कार्रवाई ना की जाए। हमने उनसे ज्ञापन लेकर और आदरणीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का आश्वासन दिया है। समस्त जो अधिकारीगण हैं उनसे संबंध में हम वार्ता करेंगे। व्यापारियों का उत्पीड़न ना हो किसी भी रूप में। बहुत ही ईमानदारी से सहारनपुर का व्यापारी कार्यकर्ता आया है, ये विषय हम हर स्तर पर रखेंगे। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।